अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनने जा रही है सिद्दी किचन में, वो है मलाई कोफ्ता की रेसिपी। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो एक होटल ढाबा रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं, और सेम वैसा ही आपके मलाई कोफ्ता में टेस्ट आएगा। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो प्याज ली हुई हैं, तीन टमाटर लिए हुए हैं, एक हरी मिर्ची ली है, एक इंच का अदरक लिया हुआ है, 6 से 7 लहसुन लिया हुआ है, कुछ स्ट्रेंथ ली हुई है हरे धनिए की। यहाँ पर मैंने मगज के बीज लिए हुए हैं, थोड़ी सी हल्दी है, धनिया है और मिर्च पाउडर है। यहाँ पर हमने गरम मसाले लेना है, एक तेज़पत्ता है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 दालचीनी है और 2 हरी इलायची है। गैस पे हम एक पैन रखेंगे। पैन में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसको अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमने जो खड़े गरम मसाले लिए हुए हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे ताकि ऑयल में इसका एक बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाए, इसलिए आप थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिएगा। जब हमारे मसाले क्रैकल हो जाएंगे तो हम उसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे, और प्याज को हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट करने तक ही हमें इसे पकाना है। आप ऑयल में थोड़ा पका लीजिएगा इसको सॉफ्ट होने तक। जब आप देखिए हमारी यहाँ प्याज सॉफ्ट हो गई है, जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम उसमें हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, हरे धनिए की स्ट्रैंड और काजू मैंने 8 से 10 लिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली हुई है, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। आप जितना नमक खाते हैं उतना आप इसमें डाल लीजिएगा और थोड़ा सा सॉटे कर लीजिएगा सारे मसाले को। अब यहाँ पर हमारे मसाले अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं तो हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और देखिए इतना ही पानी रखिएगा जितना हमारा ये जो मसाला है ये अच्छी तरीके से डूब जाए, और हम इसे लिड लगा के इसे थोड़े देर के सॉफ्ट होने रख देंगे। अब यहाँ हम कोफ्तों की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 आलू लिया हुआ है और 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। अच्छा, आप पनीर और आलू आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आप कितने मेंबर्स के हिसाब से बना रहे हैं। मैं 6 मेंबर्स के हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 से 5 बादाम लिए हुए हैं, उन्हें बारीक कट कर लिया है, और 8 से 10 किशमिश ली हुई है, 2 हरी मिर्ची हैं, 2-3 लहसुन की कलियाँ हैं, थोड़ा सा अदरक है और हरा धनिया है। सबको अच्छा बिल्कुल फाइन आपको चॉप करना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा आप चॉप करेंगे कोफ्ते आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और 1 चम्मच मैदा डाला है बाइंडिंग के लिए, और उसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला हुआ है, और जितने भी मसाले हमने इसके अंदर ये जो हमें डालना है इसके अंदर फिलिंग, ये आप बिल्कुल बारीक काटिएगा। बादाम मैंने काजू नहीं डाले हैं, काजू मैंने ग्रेवी में डाला है, फिलिंग में मैंने बादाम डाले हैं। तो बादाम, किशमिश, हरी मिर्ची, हरा धनिया और लहसुन ज़रूर डालिएगा। आपको अगर होटल और रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट चाहिए तो इसके अंदर लहसुन ज़रूर डालिएगा, और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा। लहसुन से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अच्छी तरीके से मसल मसल के आटा गूंद लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक टिप और देती हूँ कि है ना, आपका पहले तो यहाँ मसाला चेक कर लेंगे हम। तो हम ये तेज़पत्ता और दालचीनी यहाँ पर से हटा देंगे, और जितना भी मसाला है उसे हम थोड़े से चम्मच से चला के, स्पैचुला से चला के, और इसे थोड़ा ठंडा करने रख देंगे जब तक हम यह कोफ्ते। अब यहाँ मैंने कोफ्तों के लिए आपको एक बात बताऊँ कि जब आप आलू लेने हैं तो आलू को पहले से ही बॉईल करके उसे फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए, ताकि वो ड्राई हो जाएंगे। और पनीर आपको पानी वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने गलती से भी पानी वाला पनीर ले लिया तो जब आप फ्राई करेंगे कोफ्तों को तो वो ऑयल में फट जाएंगे। इसलिए या तो आप पैकेट वाला लीजिए, या आप नॉर्मल मलाई वाला पनीर लेते हैं तो उसे आप पानी में से पहले ही निकाल दीजिए, और कपड़े से पोंछ के अच्छी तरीके से उसे ड्राई कर लीजिए, तब ही आप कोफ्ते बनाइएगा। और कोफ्ते बनाने के बाद में मैंने यहाँ 1 चम्मच मैदा लिया हुआ है। इसको कोई बहुत सारी कोटिंग नहीं होगी, हल्की सी कोटिंग होगी। इससे ये होगा कि जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो हमारे जो पनीर है ये चिपकेगा नहीं ऑयल में,
इसलिए आप इसमें मैदे की कोटिंग जरूर करिएगा। तो थोड़ा सा लगा के और आप उसे हाथ से अच्छी तरीके से ऐसे घुमाएंगे तो वो इतना भी निकल जाएगा और बिल्कुल लाइट मैदा लगेगा। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद मैंने उसमें सारे कोफ्ते शामिल कर दिए हैं। मैंने ये कोफ्ते जब शामिल करे हैं, पहले मैंने एक कोफ्ता तल के देख लिया है। तो आप जब भी कोफ्ते बनाएं, किसी भी चीज़ के कोफ्ते बनाएं, पहले आप एक ही कोफ्ता ऑयल में फ्राई करें, फिर उसके बाद सारे कोफ्ते डालें, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे कोफ्ते परफेक्ट बने हुए हैं। तो आप फिर सारे कोफ्ते फ्राई कर लीजिएगा। देखिए कोफ्ते मेरे सब फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। अब मैंने एक पैन में एक चम्मच घी लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है और कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है, और जो हमने ग्रेवी ली थी उसे मैंने बिल्कुल फाइन पीस लिया है। आपके अगर आपका बिल्कुल मिक्सर में फ़ाइन नहीं होता है तो आप छान लीजिएगा, और मेरे मिक्सर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रेवी फ़ाइन हो गई थी तो मुझे छानने की ज़रूरत नहीं थी। और उसे मसाले को लिड लगा के रख दीजिएगा 5-10 मिनट के लिए, बहुत अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। पका हुआ तो हमारा मसाला वैसे भी है तो ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हम एक चम्मच हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, एक चम्मच हमने उसके अंदर चीनी डाली हुई है। चीनी से कोई मीठा नहीं होगा, बस हमारे मसाले जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। तो आप एक चम्मच चीनी ज़रूर डालिएगा, एक चम्मच रोस्ट करके कसूरी मेथी भी ज़रूर डालिएगा। और मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ली हुई है, और मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी तो मैंने आज दूध की मलाई डाली है। तो आप उसमें अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप फ्रेश क्रीम डाल लीजिएगा। मैंने 3-4 चम्मच दूध की मलाई डाली है, और उसके बाद में मैंने एक चम्मच भर के देसी घी और ऊपर से शामिल कर दिया। अब यहाँ मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कोफ्ते जब आपको खाना हो तभी आप ग्रेवी में डालिएगा, पहले से कोफ्ते मत डालिएगा, नहीं तो वो सब बिखर जाएंगे। और इस तरीके से अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके सामने इस तरीके से सर्व करिएगा, पहले ग्रेवी डालिएगा फिर उसमें कोफ्ते रखिएगा, फिर हल्की हल्की सी कोफ्तों के ऊपर भी ग्रेवी डालिएगा, और क्रीम से उसे गार्निश करके हरे धनिए से इस तरीके से गार्निश करिएगा। देखिए मैंने घर में ही सॉफ्ट एंड फ्लफी नान बनाए हुए थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। देखिए कितने सॉफ्ट जालीदार फ्लफी नान बनके तैयार हुए, और मलाई कोफ्ते तो इतने बेहतरीन बने थे, सॉफ्ट माउथ वाटरिंग, जिसने खाया मेरे घर में सब ने तारीफ़ करी। मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, मैंने उनके लिए बनाए हुए थे, बहुत ही डिलीशियस बने हुए थे। तो मेरी तरीके से आप बनाइए, खाइए, और जैसे जैसे मैंने आपको टिप्स दी हैं उस तरीके से आप उस इन्हें फॉलो करिए, और अपने घर वालों से फ्रेंड्स एंड फैमिली से भर भर के तारीफ पाइए। दिवाली का टाइम है, आप बिल्कुल इस तरीके से बनाइए और फेस्टिवल को एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़।